आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अचालक गोले को 3.2×10⁻¹⁹ कूलाम आवेश दिया जाता है। गोले के केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। ठीक है, तो प्रश्न में हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जबकि प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक 10 सेंटीमीटर का ठोस अचालक गोला है, जिसकी त्रिज्या जो हमारी आर दी गई है, ये हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर की, और इसका केंद्र हमने मान लिया है ओ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो आवेश इस पर दे रहे हैं वो हमारा दिया गया है कि क्यू इक्वल टू हमने 3.2×10⁻¹⁹ कूलाम का हमने इसमें आवेश दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, तुमने मान लिया कि गोले के केंद्र से यहाँ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु, मान लिया कि हमारा ये बिंदु यहाँ पर P है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए यहाँ से हमें इसकी भी दूरी दी गई है कि जो दूरी हमारी आर है वो हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अगर मीटर में लिखें तो 0.24 मीटर हो जाएगा। अब वैद्युत विभव की बात करते हैं, तो वैद्युत विभव का हमारे पास सूत्र होता है r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, वो हमारा होता है 1/4πε, और ये होता है q/r। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल R लिया है तो ये कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान रखते हैं ये हो जाएगा 9×10⁻¹ क्यू आवेश है हमारा 3.2×10⁻¹⁹ और बटे में हमारा हो जाएगा यहाँ से 0.24। ठीक है, तो यहाँ से वैद्युत विभव जो हमारा V का मान है वो यहाँ से निकल के आ जाता है 1.2×10⁻¹⁸ वोल्ट। तो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर जो हमारा विभव होगा वो हमारा 1.2×10⁻¹⁸ वोल्ट का होगा, जो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।